नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक अभी लिए हुए हैं। इतिहास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जो भारत के महान स्वाधीनता सेनानी थे और कुछ आपके प्रमुख पद थे उनके बारे में। आज बात करेंगे हम लोग कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में। कांग्रेस अधिवेशन एवं उनसे संबंधित स्थल हैं, तो इनसे आपका एक ना एक क्वेश्चंस पूछा जाता है हर बार, ठीक है, हर एग्जाम में। और तो चलिए देखते हैं हम लोग कांग्रेस अधिवेशन। ये आपका क्रम संख्या हो गई, ये वर्ष हो गया, सन जिस सन में हुआ, ये आपका स्थान हो गया, ये आपके अध्यक्ष हो गए, और इनके संबंध में जो विशेष तथ्य हैं वो विशेष हो गए। तो पहले अधिवेशन की बात करें हम लोग, तो 1885 में हुआ। ये आपका बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई में। ब्योमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पूछ लेगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि 1865 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्योमेश चंद बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, 72। दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में हुआ, कलकत्ता में। इसमें आपके कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? 450। तीसरा अधिवेशन आपका हुआ 1887, 1887, ये आपका मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक मुस्लिम ने की थी, तो आपको बता देना है। तीसरा, ये आपका 1887 में हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में। कौन थे ये मुस्लिम? बदरुद्दीन तैयबजी। फिर आपका चौथा कांग्रेस अधिवेशन, ये आपका 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। याद रखिए, जॉर्ज यूले चौथे नंबर जो अधिवेशन ये हुआ, इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1300 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। तीसरा और चौथा आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। पांचवा जो अधिवेशन था, ये 1889 में हुआ, बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम बिडरबन ने। फिर छठा आपका कांग्रेस अधिवेशन है 1890, ये आपका कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की। सातवां अधिवेशन आपका 1891 में हुआ, नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चालू। आठवां आपका अधिवेशन 1892 में हुआ, ये आपका इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष ब्योमचंद बनर्जी थे, आठवें। फिर हुआ आपका नौवां कांग्रेस का नौवां अधिवेशन 1893 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। फिर आपका दसवां अधिवेशन 1894 में। कहाँ हुआ? मद्रास में। इसके आपके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेज। कांग्रेस का संविधान निर्माण हुआ इसी अधिवेशन के दौरान, दसवें अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया। फिर आपका ग्यारहवां अधिवेशन 1895 में, ये आपका पूना में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका बारहवां, ये आपका 1896 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। एम ए सवानी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया इस अधिवेशन में। याद रखना, 12वें अधिवेशन में आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। अब जैसे ये पूछ लिया, 10वां पूछ सकता है, ठीक है, तीसरा चौथा भी पूछ सकता है। 13वां अधिवेशन की बात करें तो 1897 में अमरावती में हुआ थे, शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ।
आनंद मोहन इसके, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है तो थोड़ा उस पर ध्यान दे लिया करिएगा, क्योंकि इतने अधिक हैं इसलिए हर कोई याद नहीं रख सकता है ना, लेकिन आपको वही याद रखना है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस देना है। याद हो सकते हैं तो कर लेना सभी, लेकिन नहीं हो सकते हैं तो वही याद रखना है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कांग्रेस का 15वां अधिवेशन की बात करें तो 1899 में हुआ, ये आपका लखनऊ में हुआ था। रमेश चंद दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां आपका 1900 में हुआ, लाहौर में हुआ था ये। नारायण गणेश चंदावरकर इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन आपका 1901 में हुआ, कलकत्ता में हुआ ये। दिनसा इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ, अहमदाबाद में हुआ ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है 19वां, तो ये 1909 में 1900 सॉरी 1903 में हुआ, मद्रास में। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ, बम्बई में। सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां 1905 में बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 22वां सम्मेलन या 22वां सम्मेलन इसका 1906 में हुआ, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब इसे याद रखना है, 22वां अधिवेशन आपका 1906 में हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछ लेता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो आपको बता देना है 22वां। ठीक है, ये 1906 में हुआ कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 23वां अधिवेशन आपका 1907 में हुआ, सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 23वें अधिवेशन में। अब पूछ लेता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो 23वें में 1907 में हुआ था सूरत में, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ, मद्रास में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 25वां सत्र जो अधिवेशन हुआ 1909 में, ये आपका लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 26वां कांग्रेस का अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम बिडरमन इसके अध्यक्ष थे। फिर हमारा 27वां 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ थे, पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगणमन गाया गया था, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका 28वां 1912 में हुआ, वंकीपुर पटना में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1913 में ये कराची में हुआ था, सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 30वां 1914 में मद्रास में हुआ, भूपेंद्रनाथ बोस इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन सम्मेलन या अधिवेशन 1915 में हुआ, बम्बई में। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिंघा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड बिलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 32वां 1916 लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। ठीक है, इस तरह जो भी आपके महत्वपूर्ण रहा करेंगे, जो विशेष तथ्यों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अच्छे से याद रखना है। वैसे याद तो आप लोग रख सकते हैं, तो सभी को रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं तो फिर कुछ जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को याद कर लें। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं। फिर आपका 33वां ये 1917 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ना कि भारत की नहीं थी। ठीक है, याद रखिए। तो पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष
कांग्रेस की कब बनी? तो ये इन्होंने अध्यक्षता की थी 33वें अधिवेशन की। ये 1917 में हुआ था कलकत्ता में, ये थी एनी बेसेंट। 1918 में जो विशेष सत्र हुआ बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें हुआ था। फिर है कांग्रेस का अधिवेशन 34वां, ये आपका 1918 में हुआ, दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 35वां आपका 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 36वां आपका 1920 में हुआ, नागपुर में हुआ था ये, सी विजया विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था इसमें। फिर आपका 1920 में ही कलकत्ता में विशेष सत्ता आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। फिर आपका 37वां, 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ, अहमदाबाद में हुआ था, हाकिम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर आपका 38वां, ये आपको 1922 में हुआ, गया बिहार में, इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। 39वां 1923 में काकीनाडा में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने। 1923 में ही दिल्ली में विशेष सत्र बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। सबसे युवा अध्यक्ष थे, तो पूछ सकता है युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1923 में दिल्ली में विशेष सत्र में। जब कोई जरूरी सत्र बुला लिया जाता है उसे ही विशेष सत्र बोलते हैं, जब जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, फिर आपका 40वां सत्र या सम्मेलन 1924 में हुआ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका बेलगांव में हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही सम्मेलनों की अध्यक्षता की है, वो है आपका 24वां, सॉरी 40वां, 1924 का, ये आपका बेलगांव में हुआ। 41वां आपका 1925 में हुआ, कानपुर में, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की, प्रथम भारतीय महिला थी, याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की 1925 में, ये आपका 41वां था। फिर आपका 42वां 1926 में हुआ, गुवाहाटी में, इसके अध्यक्ष थे सी एस श्रीनिवास आयगार। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य बनाया गया। फिर आपका 43वां 1927 में, ये आपका मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई इसमें। 44वां 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 45वां 1919 में, सॉरी 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई इसमें। 46वां 1931 में कराची में हुआ, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार इसी में हुई थी, याद रखना है आपको। 47वां 1932 में दिल्ली में हुआ ये, अमर रणछोड़ दास सेठ ने इसकी अध्यक्षता की। 48वां 1933 में ये आपका कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नालिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 49वां 1934 में बम्बई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई इसी के समय। 50वां आपका 1936 में लखनऊ में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 51वां 1937 फैजपुर बंगाल में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये आपका, याद रखिए। ठीक है, 52वां 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ इसी समय। 53वां 1939 में ही त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुई, ये आपका मध्य प्रदेश में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए।
कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। गांधी जी ने इसका विरोध किया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर चंबनवा 1940 में हुआ, यह आपका रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। फिर 55वां 1940 में, यह आपका मेरठ में हुआ था। जेबी किपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आजाद के समय अध्यक्ष, क्योंकि 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो यही थे, याद रखिए, पूछ लेता है। आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी किपलानी। 1947 में दिल्ली में विशेष सत्र बुलाया गया था, उसकी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर आपका 56वां 1948 जयपुर में, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था और हमारा भारत आज़ाद हो गया। कांग्रेस की आज़ादी के बाद गांधी जी ने सलाह दी थी कि कांग्रेस पार्टी को अब ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं माने। फिर भी अभी भी ये लोग सत्य मनाते रहते हैं, लेकिन अब इन सत्यों का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि अब वो भी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ 1948 तक जो भी इसके सत्य हुए अधिवेशन, उन्हें ही याद रखना है, इससे आगे नहीं रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों के बारे में।